चेक वॉइस चेक करिए, क्लियर आ रही है। नमस्ते, गुड मॉर्निंग एवरीवन। वॉइस क्लियर, प्लीज चेक वॉइस क्लियर। चलिए देखते हैं, लास्ट क्लास के अंदर हमने यहां तक कर लिया था इसमें, है ना। और यहां तक देखा जाए, पीछे से ऑन करना, लास्ट क्लास में यहां तक। और लास्ट क्लास के अंदर इस वाले बैलेंस शीट को टैली नहीं कर पा रहे थे। किसी ने घर पे जाके चेक किया क्यों नहीं हो रहा था टैली? तो टैली इसलिए नहीं हो रहा था, मैंने बाद में देखा कि जो अनरियलाइज्ड स्टॉक जब इंक्लूड होता है, पिछले वाले क्वेश्चन में क्या करा था, ये पिछला क्वेश्चन है, अब कितने रुपए का प्रॉफिट जुड़ा हुआ है, कहता है एच लिमिटेड सोल्ड करता है 3000 का प्रॉफिट, कितने रुपए का जुड़ा हुआ था पिछले क्वेश्चन में बताइए, 1000। तो हमने इधर से भी कितना माइनस किया था, नहीं वाली इधर से भी 1000 और इधर से भी, यानी जो प्रॉफिट वाला पोर्शन है वो दोनों साइड से माइनस करते हैं। हम क्या कर रहे थे, इधर से स्टॉक माइनस कर रहे थे, क्योंकि 2000 प्रॉफिट थोड़ी ना, प्रॉफिट तो कितना था हमारा 1000। तो ये एरर आ रहा था, एरर क्या था कि वो दिमाग से स्किप हो गया था। तो सर यहाँ पे जो माइनस कितना करना है हमें, लास्ट क्वेश्चन आप सभी ने नोट किया होगा, 1000 और ये आ जाएगा हमारा, -99। और जैसे 99 होगा ये भी हो जाएगा, ठीक है। लास्ट तक क्लियर है। हमारा जो चल रहा था, क्या चल रहा था सर, हम देख रहे थे, कहाँ गया, ये था कि पॉइंट ऑफ व्यू एच लिमिटेड, अब पॉइंट ऑफ व्यू किसके रह गया हमारा, एस लिमिटेड के। तो चलिए कॉन्सेप्ट क्या है सर, कॉन्सेप्ट है एस लिमिटेड ने गुड्स सोल्ड किया किसको, एच लिमिटेड को, ठीक है। एस लिमिटेड ने गुड्स सोल्ड किया किसको, एच लिमिटेड को। आपके सामने एक बैलेंस शीट, इसमें कुछ चीजें लिख लेते हैं, शेयर कैपिटल, रिजर्व और क्रेडिटर। सर शेयर कैपिटल कितना, रिजर्व कितना, कैपिटल कितना। शेयर कैपिटल मान लेते हैं 5 लाख, 2 लाख, 3 लाख, ये हो गया हमारा 10 लाख। सेम इधर भी टोटल होगा, इधर फिक्स एसेट्स ले लेते हैं, फिक्स एसेट्स 3 लाख, डेटर 2 लाख, स्टॉक 3 लाख एंड इन्वेस्टमेंट 2 लाख, 60% शेयर, टोटल हो गया ये कितने 10 लाख। चलिए एक और बैलेंस शीट इसी को कॉपी कर लेते हैं, हमें ऑल्दो 3 बैलेंस शीट की जरूरत पड़ेगी। चलिए ठीक है, विजुअल नहीं, चलिए यानी 2 कंपनी की बैलेंस शीट है। इस कंपनी के बैलेंस शीट में हम एक काम करते हैं, न्यू डेटा फिल कर देते हैं और यहां पे भी हम न्यू डेटा फिल कर देते हैं। ठीक है, क्या क्या फिल करते हैं इसमें, ये मान लेते हैं 2 लाख, ये मान लेते हैं 1 लाख और ये मान लेते हैं 5 लाख। 2 लाख, 50,000, 1 लाख और ये वाला पोर्शन तो होगा नहीं, यहाँ पे ये वाला पोर्शन नहीं होगा, तो 5 और 3 8 लाख रुपए कितने हो गए 8 लाख और ये भी हो गया हमारा 8 लाख। तो ये कम पड़ रहा है तो कैश डाल देते हैं 4.5 लाख, सिंपल। ठीक है, चलिए सर इस बैलेंस शीट को भी ले लीजिए आप, इस बैलेंस शीट रेज हो गया। इस बैलेंस शीट को भी ले लिया जाए, चलिए इसके भी अब अमाउंट लास्ट में ही डाला करेंगे, जो रह जाता है ना। देखिए ये तो हमें बनाना है और इसके अंदर हम बात करें तो ये तो होने वाला है ही नहीं, है ना, ये तो होगा ही नहीं, इसे बनाना है। ठीक है, एडजस्टमेंट क्या कहता है, पहले क्या चल रहा था और अब क्या चल रहा था, फर्क क्या है देख लो। एडजस्टमेंट कहता है, कहां करें एडजस्टमेंट, एडजस्टमेंट यहीं लिख रहा हूं। ठीक है, एडजस्टमेंट कहता है स्टॉक इंक्लूड इन एच लिमिटेड रुपीज 60,000 which was sold by S Limited at 20% profit on cost या on sales एंड 1/5, ध्यान दीजिएगा लाइन को, 1/5 स्टॉक अनसोल्ड, ये एडजस्टमेंट है जी आपके पास, ठीक है ना। तो पहले वाले केस में क्या था, H लिमिटेड बेच रहा था तब क्या ट्रीटमेंट हो रहा था, अब वाले में क्या है, H लिमिटेड बेच रहे हैं तो क्या ट्रीटमेंट है। सिंपली नई बैलेंस शीट बना लेते हैं हम पहले, तो सबसे पहले 3 लाख रुपए और फिक्स एसेट्स 2 लाख रुपए, कितने हो जाएंगे ये, 5 लाख रुपए। ये H लिमिटेड है जो कंसोलिडेट बैलेंस शीट बनेगा, ठीक है, और ये S लिमिटेड है। डेटर 2 लाख और डेटर 50,000, तो डेटर कितना आ जाएगा, 2.5 लाख। डेटर के बाद स्टॉक की बाद में बात करेंगे, कैश अकेला है, कैश कितने आ जाएंगे, 4.5 लाख। इधर आते हैं, शेयर कैपिटल को छोड़ते हैं, क्रेडिटर 5 लाख, क्रेडिटर 3 लाख, क्रेडिटर कितने हो जाएंगे, 8 लाख रुपए। यहां तक तो समझ में आ गया। अब रह गया हमारा शेयर कैपिटल। सर शेयर कैपिटल इस कंपनी का तो लेते नहीं, हम अपना तो लेंगे ही हमेशा, कितने, 5 लाख। रिजर्व एंड सरप्लस 2 लाख रुपए रहेगा, और देखते हैं इसमें और क्या क्या जोड़ सकते हैं, ठीक है। अब सबसे पहले हम टोटल शेयर देख लेते हैं। सर टोटल शेयर में है क्या, टोटल शेयर में एक तो है शेयर कैपिटल और एक है रिजर्व एंड सरप्लस। अगर मैं शेयर कैपिटल की बात करूं, अगर मैं शेयर कैपिटल की बात करता हूं तो इसके 2 हिस्से हो जाएंगे और रिजर्व एंड सरप्लस के भी 2 हिस्से हो जाएंगे। सर शेयर कैपिटल के 2 हिस्से कैसे, एक हो जाएगा होल्डिंग कंपनी लेके चला गया और एक माइनॉरिटी में। सेम इसके 2 हिस्से, एक होल्डिंग कंपनी और एक माइनॉरिटी में, है ना। तो अगर होल्डिंग कंपनी को कितना जाएगा वो देख लेंगे हम, और माइनॉरिटी को कितना जाएगा वो देख लेंगे हम। ठीक है, तो सर यहां पे शेयर कैपिटल है कितने का वो तो बता दो। शेयर कैपिटल है यहां पे 2 लाख का और रिजर्व है 1 लाख। अभी अनरियलाइज्ड प्रॉफिट की बाद में बात करेंगे, पहले हम सारा निकाल लेते हैं। तो ये जो एक्वायर कर रहा है वो कर रहा है 60%, मींस दोनों का 60% लेगा। तो इसका 60% की बात करें, 120, तो सर 80,000 इसके पास रह गया। इसका करें हम तो 60,000, 40,000 इसके पास रह गया। यानी देखा जाए तो होल्डिंग कंपनी के हिस्से में जो आएगा, H लिमिटेड के हिस्से में आएगा, वो आएगा 120 और प्लस 60,000, मतलब 180। और जो MI के बीच में आएगा माइनॉरिटी इंटरेस्ट में, वो आएगा 80, ये वाला माइनॉरिटी का और ये वाला, प्लस 40 यानी 120। अब हम वैल्यूएशन कर लेते हैं। सर इसने 2 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट किया है और 2 लाख में उसे सामान मिला है सिर्फ, तो क्या समझे इसका मतलब, इसका मतलब क्या समझे, ऑब्वियस सी बात है सर इसका मतलब कुछ नहीं समझना आपने, इसका मतलब ये समझना है कि गुडविल है। इसका मतलब क्या समझे कि क्या है, तो इधर एक गुडविल आ जाएगा। सर गुडविल कितने का आ जाएगा बताओ, गुडविल निकाल के दिखाता हूं। गुडविल, सर गुडविल हमने 2 लाख रुपए का पेमेंट किया, बदले में हमें सामान मिला 180 का, मतलब गुडविल आ गया हमारा 20,000 रुपए का। किसी को कोई डाउट यहां तक, किसी को कोई डाउट यहां तक नहीं, सबको समझ में आ रहा है। अब आगे की कहानी चलते हैं। इस पे कहता है सर स्टॉक जो है ना वो H लिमिटेड में इंक्लूडेड है, यानी हमारे स्टॉक में गड़बड़ी है। इस स्टॉक को हमने जोड़ा हुआ है जो है, विच वॉज सोल्ड बाय S लिमिटेड, जिसको बेचा S ने है, यानी इसने क्या करा है, इसको सामान बेचा है H लिमिटेड ने। तो इसका मतलब इसके स्टॉक में नहीं इंक्लूड होगा। इसके कहां इंक्लूड होगा, क्योंकि जब ये कंपनी इसको बेचेगी और प्रॉफिट मार्कअप रखेगी तो झट से अपना प्रॉफिट बढ़ा लेगा, लेकिन ये प्रॉफिट थोड़ी बढ़ा सकता है, तो इसने क्या बढ़ाया होगा, अपना स्टॉक। समझ रहे हो। एस लिमिटेड एट 20% ऑन प्रॉफिट ऑन सेल। यानी कहने का मतलब है सर अगर 60,000 रुपए का मैंने सामान बेचा है तो इसके ऊपर प्रॉफिट की बात करें तो जो जुड़ा हुआ है प्रॉफिट है, क्योंकि एच लिमिटेड के अंदर इंक्लूडेड है। तो मतलब इसने जितने का भी बेचा होगा ये बोल के थोड़ी बेचा होगा कि 10 का सामान मैं तुझे 12 का बेच रहा हूं। तो ये एच लिमिटेड के अंदर बता रहा है कि इंक्लूडेड है, तो हमेशा इसमें बताए ना इंक्लूडेड तो सेलिंग प्राइस ही होगा हमेशा। क्या होगा? हाँ, इस क्वेश्चन को और ट्विस्ट किया जा सकता है। स्टॉक सोल्ड बाय एस लिमिटेड टू एच लिमिटेड कॉस्टिंग 50,000 एट अ प्रॉफिट 10%। यानी इसकी ही इसकी बातें बता दी कि इसमें जुड़ा हुआ है तब वो कॉस्ट होगा। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन भी देख लेंगे हम। तो सर इसमें प्रॉफिट जुड़ा हुआ है, सेलिंग प्राइस कितना 20% है, तो सर मींस 12,000 का प्रॉफिट जुड़ा हुआ है। लेकिन हम 12,000 रुपए का एलिमिनेट नहीं कर सकते दोनों साइड से, क्योंकि क्वेश्चन ने क्या कहा है कि सर 1/5 पार्ट ही बचा हुआ है, बाकी तो बिक गए। तो जो हिस्सा बिक गया उसकी तो टेंशन है ही नहीं, वो तो हिसाब किताब में बराबर चला गया। लेकिन जो हिस्सा नहीं बिक पाया है हम उसकी बात करेंगे। तो सर जो हिस्सा नहीं बिक पाया है, यहाँ पे कंडीशन देखते हैं तो 1/5 स्टॉक है, तो 1/5 स्टॉक का देखा जाए तो यानी अनसोल्ड स्टॉक होगा सर 60,000 का 1/5 यानी 12,000 का नहीं बिक पाया है। अब 12,000 का नहीं बिक पाया, इसके अंदर प्रॉफिट कितना होगा? 20% होगा यानी 2,400। इस 2,400 पे दो लोगों का अधिकार है कि नहीं? इस 2,400 पे दो लोगों का अधिकार है, प्रॉफिट पे दो लोगों का अधिकार होगा सर। लेकिन पिछले क्वेश्चन में तो जो हमारा प्रॉफिट हुआ था इस पे तो दो लोगों का अधिकार नहीं था, क्योंकि ये होल्डिंग का प्रॉफिट था। होल्डिंग का प्रॉफिट पे क्या माइनॉरिटी मांग सकता है? नहीं मांग सकता, लेकिन माइनॉरिटी के प्रॉफिट को होल्डिंग मांग सकता है। समझ रहे हो ना? तो मैं इसलिए यहां पे क्या कहूंगा, यही चेंज है थोड़ा सा कि इसके प्रॉफिट में बस थोड़ा सा चेंज है कि इस प्रॉफिट पे अब राइट की बात करें ना तो दो लोगों का आ जाएगा, क्योंकि ये प्रॉफिट किसका है सर? ये प्रॉफिट जो है ये साधारण प्रॉफिट नहीं है, ये तो है सब्सिडरी का प्रॉफिट। और सब्सिडरी यानी जिस सब्सिडरी का प्रॉफिट होगा उस पर अधिकार किसका होगा? होल्डिंग का भी और माइनॉरिटी का भी, दोनों का अधिकार होगा। सर अगर मैं होल्डिंग की बात करूं और माइनॉरिटी की बात करूं तो सर रेशियो में बट जाएगा। आपको पता है कि मैंने 60% स्टेक खरीदा है तो 40% किसके पास रह गया होगा? माइनॉरिटी के पास। तो इसका 60% हिस्सा देखा जाए तो कितना आएगा? 60% हिस्सा क्या आएगा इसका? बताइए 60% हिस्सा क्या आएगा? 2,400 का 60% निकालिए। 1,440 और इसका बाकी रिमेनिंग आ जाएगा 260 960। तो ये वाला हो जाता है हमारा होल्डिंग के हिस्से में और ये वाला हो जाता है एमआई के हिस्से में। ठीक है ना? तो सर अब हमें 2,400 रुपए के प्रॉफिट को एलिमिनेट करना है। सर स्टॉक में कोई दिक्कत नहीं है, हम स्टॉक की बात करें तो कोई दिक्कत है ही नहीं स्टॉक में। तो क्यों सर? क्योंकि ध्यान से देखें स्टॉक कितने का था हमारा? 3 लाख का, प्लस दूसरे का स्टॉक कितने का है हमारा? 1 लाख का। दूसरे का स्टॉक कितने का है? जो बिक गए तो वो तो इस स्टॉक में होगा ही नहीं क्योंकि ये बेच चुका है स्टॉक। अब बात करते हैं प्रॉफिट का एरिया जो इंक्लूडेड है वो सिर्फ कितना इंक्लूडेड है? 2,400। पहले क्या करते थे? 2,400 यहां से घटाया और 2,400 किससे घटा दिया? रिजर्व से। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा क्योंकि इसके रिजर्व में सिर्फ जुड़ा होगा प्रॉफिट वो होगा 1,440, क्योंकि इसने इसका रिजर्व वगैरह जो एक्वायर किया कितना एक्वायर किया? सिर्फ यही पार्ट। तो इसके रिजर्व में माना जाएगा कि कितना जुड़ा होगा? 1,440। अब एमआई की बात कर लेते हैं। एमआई था कितना सर? सर एमआई था हमारा, निकाला है हमने 1 लाख। अब एमआई के भी प्रॉफिट में, माइनॉरिटी के भी प्रॉफिट में जुड़ा होगा, उसे माइनस कर देंगे। अनरियलाइज्ड प्रॉफिट कितने रुपए? 960। ये जाके हमारा प्रॉपर ट्रीटमेंट हुआ है। तो माइनस करिए क्या आता है? इन सबको भी माइनस करके बताइए। इसको माइनस करिए, रिजर्व को माइनस करिए, स्टॉक को माइनस करिए। 198,560 इसको करिए। एक लाख 19,040 इधर बता दीजिए आप 397,600 टोटल देखिए मैच कर रहा है हमारा। वन सिक्स 1,617,600 इसका भी कर लीजिए 1,617,600 ही आना चाहिए। ठीक है किसी को दिक्कत? तो पहले वाले में इस वाले में थोड़ा फर्क नजर आया, क्या फर्क था चलिए बताइए। पहले वाले में चलो अगर इसमें बोल देते कि माइनॉरिटी भी नहीं होता तो सारा इसी में से माइनस होता, तब तो पहले जैसा ही दिख रहा होता ये कि इधर भी माइनस और इधर भी माइनस। लेकिन माइनॉरिटी वाला जब आ जाएगा तो दोनों में बटेगा। लेकिन स्टॉक अगर सोल्ड करता है कौन, एच लिमिटेड, तब माइनॉरिटी का कोई रोल नहीं होता, सारा प्रॉफिट माइनस हो जाता है। जैसे कि पिछले क्वेश्चन में देखिए सेम पॉइंट था, इसमें भी माइनॉरिटी था और प्रॉफिट कितना था 1,000। तो आप ध्यान से देखिए जो 1,000 है वो मैंने दोनों जगह से माइनस किया। एमआई से क्या माइनस किया है मैंने 1,000 नहीं किया है। क्यों सर ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि इस कंडीशन में इसने स्टॉक इसको बेचा था, लेकिन इस कंडीशन में क्या है इसने स्टॉक इसको बेचा है, बस ये फर्क है। समझे बात? क्लियर है यहां तक? बढ़े नेक्स्ट टॉपिक पे आगे चलते हैं। चलिए सर नेक्स्ट पे चलते हैं। अब एक और छोटा सा कॉन्सेप्ट देखते हैं, इंपॉर्टेंट ही कॉन्सेप्ट है। हमने अनरियलाइज प्रॉफिट का देखे थे, दो पार्ट पॉइंट ऑफ व्यू दोनों के तरीके से देख लिया। अब एक और कॉन्सेप्ट पे चलते हैं जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। मान लीजिए ये टाइम है हमारा, टाइम है 1/4/2022 और जो एंड टाइम है आपको पता है कब होगा, 31/3/2023। हमारे पास ये दो टाइमिंग है, ठीक है। अब बात करते हैं हम बात करते हैं कंपनी की, ठीक है। सपोज करो कि यहां पे दो कंपनी है, डील की बात कर रहा हूं, ध्यान से देखना। एक कंपनी पहले से ही कोई पहले अब इमेज लेके रखेंगे है ना। एक कंपनी ये है या और थोड़ा बेटर समझाने के लिए एक कंपनी ये छोटी सी कंपनी बना रहे हैं और एक कंपनी ये भी छोटी सी कंपनी है, ये एच लिमिटेड और ये एस लिमिटेड, ठीक है। दो कंपनी है, दोनों कंपनी के बीच में बातें चल रही है एक्वायर करने का। तो एच लिमिटेड जो है वो एग्री कर जाता है कि भाई मैं तेरी कंपनी का 80% हिस्सा खरीद लूंगा, बदले में पेमेंट सब डन हो गया। लेकिन ये बातचीत जो हुआ ना, ये जो स्टार्टिंग में चल रहा है सारी बातें, ये बातों का डेट मैं बता दूं एक बार सर। इस बातों का डेट है मान लेते हैं 30 सितंबर 2022। 30 सितंबर 2022 में ये सारी बातें हुई हैं। तो आपसे मैं एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछना चाहूंगा, और डील हो गया फाइनल डन, डील क्या हो गया डन। तो जब इस डेट पे डन हुआ हमारा डील, तो इसका मतलब एच लिमिटेड ने एस लिमिटेड को कब खरीद लिया? 30 सितंबर को। आपको 30 सितंबर तक का बैलेंस शीट मिल जाएगा। अब ऐसा हो सकता है, प्रोबेबिलिटी हो सकता है कि सर जो बैलेंस शीट है वो हम बनाएंगे कब, इस डेट पे बना रहे हैं, प्रोबेबिलिटी है, क्योंकि एकदम से खरीद के और एकदम से बैलेंस शीट बनाने में पॉसिबल नहीं है। आपको वोडाफोन आइडिया देखो, आपने जैसे ही पता तो पहले चल गया था कि वोडाफोन ने आइडिया को खरीद लिया, लेकिन काफी दिन तक देखा होगा वोडाफोन अलग ही काम कर रहा था और आइडिया अलग काम कर रहा था। सब ये भी बोल रहे थे किस बात का मिला, दोनों के तो अलग अलग स्टोर है, रिचार्ज भी अलग अलग ही हो रहा है। 1 साल लग गए थे, 1 से 1.5 साल, तब जाके उन्होंने क्या करा, वोडा का रिचार्ज करो चाहे आइडिया का रिचार्ज करो, बात एक ही है। तो जब कभी भी हमारा होल्डिंग सब्सिडरी होता है या मर्जर एक्विजिशन होता है, नॉट एक मतलब के पूरे रात का काम नहीं है कि रात में खत्म हो गया, चलो साल से 1.5 साल, 2-2 साल भी लग जाते हैं, हर एक चीज धीरे धीरे प्रोसेस में रहता है। तो सर इसके बैलेंस शीट की हम बात करते हैं और इसके बैलेंस शीट की, इसके पास बैलेंस शीट होगा लेकिन इस डेट पे जो होगा ना वो पुराने वाला होगा, है कि नहीं? इस डेट पे जो होगा इसके पास बैलेंस शीट, जैसे ये बैलेंस शीट मैं दिखा रहा हूं आपको, समझिएगा बहुत आसान कॉन्सेप्ट है और एक बार समझ गए ना तो चैप्टर में कोई दम ही नहीं रहेगा, इसलिए मैं बेसिक्स में टाइम ले रहा हूं। मान लीजिए इसके पास शेयर कैपिटल है 5 लाख रुपए का, रिजर्व एंड सरप्लस है 3 लाख रुपए, 3 लाख रुपए, ठीक है। रिजर्व एंड सरप्लस पहले से है, ये ओल्ड है 3 लाख रुपए, ये जो रिजर्व एंड सरप्लस है ओल्ड है, और भी बहुत सारी चीजें हैं, क्रेडिटर 2 लाख रुपए, चलिए ये टोटल हो गया इसका 10 लाख रुपए। ये है एस लिमिटेड का, और एफए मान लेते हैं, फिक्स एसेट्स 10 लाख का, खत्म करते हैं इसको हम। ये प्रॉफिट जो है इस डेट पे है, किस डेट पे है सर? आपको जो डेट दिया गया है इस डेट पे है, समझिएगा बात को। अगर इस डेट पे प्रॉफिट है तो बट ऑब्वियस है कि एस लिमिटेड ने यहां से यहां तक काम किया ही होगा या नहीं किया होगा, और उसके बाद जैसे ही ये कंपनी गई किसके हाथ में, एच लिमिटेड में, तो एच लिमिटेड ने भी काम करना स्टार्ट कर दिया होगा, एच लिमिटेड ने भी क्या किया होगा, काम करना स्टार्ट कर दिया होगा। सर कहां से कहां तक काम किया होगा? एच लिमिटेड ने यहां से यहां तक काम किया होगा। क्वेश्चन कहता है प्रॉफिट, प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर, प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर, सर ईयर की भी मैं बात लिख ही देता हूं, 1/4/2022 टू 2023, या लिख देते हैं 31/3/2023। प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर 1/4/31 से ₹60,000। तो सर इसका मतलब क्या समझे? इसका मतलब तो सिर्फ और सिर्फ एक ही निकाल सकते हैं हम, कि मैंने आपको जो है वो क्या बताया, मैंने आपको देखा जाए तो पूरे साल का, यानी यहां से लेके यहां तक का, यहां से लेके यहां तक का क्या बता दिया आपको, प्रॉफिट। क्या यहां से यहां तक का जो प्रॉफिट है वो कितने रुपए बताए मैंने आपको? सर यहां से लेके यहां तक का जो प्रॉफिट है वो तो है कितने रुपए, 60,000 रुपीज। कंपनी एक्वायर किस डेट पे हुआ है? अब इस वाली बैलेंस शीट को जो नई वाली बैलेंस शीट में मर्ज करेंगे, यानी एक और बैलेंस शीट बना ही लेते हैं कि पूरा कॉन्सेप्ट ही खत्म हो जाए, ठीक है ना, कुछ मन में रहे ही ना का। सर एक और बैलेंस शीट में बना रहा हूं, वो मैं बना रहा हूं एच लिमिटेड का, इस साइड में, इसका इस डेट का बैलेंस शीट नहीं है, एच लिमिटेड का। चलिए सर एच लिमिटेड की बैलेंस शीट की बात करें, एच लिमिटेड में शेयर कैपिटल है, सब सिंपल खत्म करते हैं, 8 लाख रुपए, रिजर्व एंड सरप्लस है 2 लाख रुपए, और फिक्स एसेट्स है सीधा 10 लाख रुपए। ज्यादा झंझट नहीं पाल रहे, ये भी 10 लाख रुपए और ये भी 10 लाख। आपको बस इंप्लीमेशन ही तो देखना है, ये किसका है सर, ये है एच लिमिटेड का बैलेंस शीट, समझे। अब हमें कंसोलिडेट करना है और कंसोलिडेशन हो रहा है इस तारीख पे। जब इस तारीख पे कंसोलिडेशन हो रहा है, यहाँ पे दोनों के बैलेंस शीट मिल रहा है, तो ये वाला जो 60,000 रुपीज प्रॉफिट है ना, तो इसमें है क्योंकि ये बैलेंस शीट 1 अप्रैल का है। और ये प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर किसने कमाया है, ये कमाया है, मैं लिख देता हूं, लिखना भूल गया था, एस लिमिटेड ने कमाया है, जो एस की कंपनी थी उसने कमाया है। तो ये 60,000 इस 3 लाख में क्या रिजर्व एंड सरप्लस में जुड़ा हुआ होगा, पहले तो ये बताइए, नहीं होगा। क्या ये 3 लाख रुपए एच लिमिटेड में जुड़ा होगा, इसका तो मतलब ही नहीं बनता जुड़ा हुआ होने का, क्योंकि अभी तक तो कंसोलिडेट ही नहीं हुआ है बैलेंस शीट। अच्छा, इसका मतलब सर इस प्रॉफिट में देखा जाए तो यहां से यहां तक के एरिया जो है, जो भी 30 सितंबर का है ये वाला एरिया, इस वाले एरिया का इतना पोर्शन प्रॉफिट तो इसी का ही है, क्योंकि बिका ये इस डेट पे, तो इस डेट से पहले इसी के डायरेक्टर होंगे, इसी के मैनेजिंग डायरेक्टर, इसी के प्रोडक्ट, इसी के सब कुछ। तो यानी 60,000 का यहां से यहां पोर्शन का प्रॉफिट इसका है, और 60,000 रुपए में से इधर का इधर प्रॉफिट में इसका नहीं है। वो सारी मेहनत किसकी है, एच लिमिटेड, समझ पा रहे हो। यानी जब कंपनी को एक्वायर किया गया तो प्रॉफिट को 2 हिस्से में है, 60,000 में से कुछ हिस्सा तो एच लिमिटेड ने खुद ही कमाया है, और 60,000 में से कुछ हिस्सा एच ने नहीं कमाया, वो एस कमा रहा था। और बीच में ही ऐसा हो गया एक्विजिशन, क्योंकि एक्विजिशन में ऐसा थोड़ी है 31 मार्च को ही करेंगे एक्विजिशन, जब मर्जी हो सकता है हमारा। तो यहां पे देखा जाए तो वेरी सिंपल, हमें क्या करना है, जब हम कंसोलिडेट बैलेंस शीट बनाएंगे, बना लेते हैं कंसोलिडेट बैलेंस शीट एक, तो क्या होगा, ये एच लिमिटेड को इधर ले आया और कंसोलिडेट बैलेंस शीट यहां पे आ जाएगा। अब आपको थोड़ा बहुत समझ में भी आ रहा होगा कि सर ये हो सकता है, आइडिया लग रहा है। क्या करेंगे, ये देखिए, इसको बड़ा कर लिया, ठीक है। तो अब हम अगर सारे शेयर्स वगैरह को ऐड ऑन करें और रिजर्व एंड सरप्लस को ऐड ऑन करें तो क्या रहेगा सर, क्या रहेगा, मेरा शेयर कैपिटल होल्डिंग का तो पूरे 8 लाख आएगा, ठीक है। बस यहाँ पे ना एक चीजें कमी रह गई है, जो मैं लिख के ठीक कर देता हूं, इन्वेस्टमेंट, इन एस लिमिटेड 80% शेयर और 6 लाख रुपए, ठीक है। ये थोड़ा सा इधर हो गया है, समझ जाओगे ये, है ना, ठीक है। चलो, क्योंकि बाद में मुझे ख्याल आया एक चीज ये तो रही गई, तो सर ये हो जाएगा हमारा 16 लाख, और इसको कर देते हैं हम क्रेडिटर कर देते हैं 6 लाख, तो ये भी हो गया 16 लाख, ठीक है। अब सर हम पहले, सबसे पहले बैलेंस शीट कंसोलिडेट कर लेते हैं, एडजस्टमेंट बाद में देखेंगे। एफए कितना है, 10 और 10 20 लाख, इधर भी कुछ नहीं है, इधर इन्वेस्टमेंट आएगा नहीं, रिजर्व एंड सरप्लस है, क्रेडिटर ले लेते हैं। सर क्रेडिटर कितने का लोगे, इसमें तो 6 लाख, इसमें 2 लाख, यानी 8 लाख। अब मुद्दे की बात रह गई ये और एमआई। सबसे पहले एमआई निकाल लेते हैं, ठीक है। सर एमआई क्या होगा, यहाँ पे एमआई पे ध्यान देना, हमारा टोटल शेयर कितने का है, एक तो शेयर कैपिटल है, एक रिजर्व एंड सरप्लस है। सर शेयर कैपिटल पे कितने लोगों का अधिकार है, बोलो, 2 लोगों का, एक माइनॉरिटी इंटरेस्ट वालों का और एक, तो एक है होल्डिंग वालों का राइट और एक है माइनॉरिटी इंटरेस्ट वालों का, एक है होल्डिंग वालों का राइट और एक है माइनॉरिटी इंटरेस्ट। मैं किसकी बात कर रहा हूं, जो यहां पे है इसकी बात कर रहा हूं मैं, सिर्फ मैं इस एडजस्टमेंट पे तो आऊंगा ही नहीं, अभी बाद में आएंगे। तो सर इसमें अगर मैं होल्डिंग वाले की राइट की मैं बात करूं तो कितना होगा होल्डिंग वाले का राइट, क्योंकि इसने खरीदा कितने परसेंट है, 80, तो 5 लाख का 80% यानी 4 लाख, तो 1 लाख इसका होगा। आगे बात करते हैं सर, 5 लाख, अब 3 लाख का 80%, 270 नहीं, 3 पे 80 24 240 ना 240 और ये क्या हो जाएगा 60। तो अगर मैं होल्डिंग की बात करूं तो सर होल्डिंग के हिस्से में ये गया यानी 4 और 2 640 और 640 के बदले में पेमेंट उसने क्या किया 6 लाख, मतलब एक कैपिटल रिजर्व क्रिएट हो जाएगा और कैपिटल रिजर्व क्रिएट कितने का हो जाएगा 40,000। मैं इधर बता भी देता हूं आपको सर होल्डिंग का टोटल शेयर कैसे आया, होल्डिंग का 4 लाख रुपए शेयर कैपिटल खरीदा प्लस 1 लाख रुपए 240 का प्रॉफिट इसके हिस्से आ गया, तो टोटल इसने 640 रुपए का सामान खरीद लिया है और जिसके बदले सिर्फ पेमेंट करके आ गया 6 लाख, तो फायदा हो गया। दैट्स वाई हम क्या कह सकते हैं, कह सकते हैं कि 640 का और 6 लाख का डिफरेंस जो है वो गुडविल है। बहुत पहले से कर रहे हैं तो इसमें तो कोई बड़ी बात नहीं, सॉरी कैपिटल रिजर्व है क्योंकि हमने सस्ते में खरीद लिया उसको, 6 लाख रुपए दिए और 640 का सामान खरीद लिया, कैपिटल रिजर्व। समझ में आ गया यहां तक? अब रह गया झंझट इसका, सर इसका क्या करोगे। अब इसकी अगर हम बात करें तो अगर ध्यान से देखो ना तो जो मैंने अभी कैपिटल रिजर्व निकाला है वो तो नॉर्मल करते थे, अब जब ये एंटर करेगा तो सर इस प्रॉफिट पे भी तो 2 लोगों का अधिकार होगा, इस वाले प्रॉफिट पे 2 लोग कौन कौन आ जाएंगे सर, होल्डिंग इस पे भी आएगा और एमआई इस पे भी आएगा, होगा कि नहीं होगा। आप देखिए इस पे सब्सिडरी कंपनी की भी मेहनत है और होल्डिंग की भी मेहनत है, तो सर सब्सिडरी की कितनी मेहनत है 6 मंथ तक, मैंने डेट ऐसा सिंपल लिया ताकि आपको इजी रहे, तो सर यहां पे 6 मंथ तक सब्सिडरी की मेहनत है और 6 मंथ तक किसकी मेहनत है। तो अगर मैं इसकी बात करूं तो 60,000 रुपए में तो सब्सिडरी ने 6/12 मेहनत किया, इसका मतलब, और इसके इस साइड में 60,000 में मेहनत है होल्डिंग का, यानी फिर से 6/12 यानी 30,000, जो भी मंथ होगा उस मंथ के हिसाब से करेंगे चाहे आपका जो भी आ रहा हो क्वेश्चन में। तो इसका मतलब 30,000 रुपीज और यहां पे भी 30,000 रुपीज, समझ पा रहे हैं। तो अकेला मैं बात करूं अगर क्या नहीं, टोटल ये 3 लाख में नहीं इंक्लूडेड है। मैं वही चीज पहले बताइए, क्या ये प्रॉफिट डाउट ही आया है सर, ये प्रॉफिट तो टोटल है, तो टोटल प्रॉफिट क्या 3 लाख में इंक्लूड है। 3 लाख की जो बैलेंस शीट है ना वो है 31/3, प्रॉफिट कम कमाए 1/4 के, तो क्या इसमें जुड़ सकता है, नहीं होगा। ये तो लेटेस्ट प्रॉफिट है इस साल का। तो सर ये जो हमारा यहां पे दिख रहा है ना ये 30,000 और इधर भी 30,000, ये 30,000 रुपए। अब हमारा एक्चुअल माय होल्डिंग निकालू मैं, तो होल्डिंग के हिस्से में जो निकालेंगे शेयर, इसको क्या क्या मिला सर, इसे 4 लाख का शेयर मिला, 4 लाख का शेयर कैपिटल मिला, शेयर कैपिटल मिला और रिजर्व एंड सरप्लस मिला, इसे पुराने वाला पुराना ओल्ड, लेकिन अब इस साल का भी तो मिला इसे कुछ, है कि नहीं। अगर देखा जाए तो और भी तो मिला इसे, क्या मिला सर, और इस साल का भी रिजर्व मिला इसे, इसका कितना 30,000 रुपीज, 30,000 रुपीज। इसका मतलब एच लिमिटेड ने जितना भी पेमेंट किया हो उसके बदले उसका जो बेनिफिट है वो कितने का आएगा 6,70,000। पहले तो ये समझिए टोटल बेनिफिट, क्योंकि हमारे माइंड में क्या चल रहा था, पुराना पुराना ले लिया भाई, उसके बाद जो कमाया है क्योंकि 80% एक्वायर आपने इस डेट पे किया है, तो ये वाला रिजर्व एंड सरप्लस कैपिटल तो था ही होल्डिंग का, साथ में अगर इसके बीच में जो कमाया होगा वो भी इसी का होगा, उसी बेस पे उसने बोला कि मैं तुम्हें 80% के बदले दूंगा 6 लाख रुपए। तो सर अब निकलेगा कैपिटल रिजर्व, अब कैपिटल रिजर्व क्या आएगा सर, कैपिटल रिजर्व आएगा सर 670 रुपए का हमें सामान मिला और मैंने पेमेंट किया कितने का 6 लाख, तो नाउ इट इज 70,000। तो हम क्या करेंगे जब नई बैलेंस शीट बनाएंगे तो यहां कैपिटल रिजर्व जो है, जो ये कैपिटल रिजर्व लिखा हुआ है, ये कैपिटल रिजर्व बताओ कितने आएंगे। और ऑल्दो मैं एक चीज बताऊं तो मैं यहां आपको दिखाने के लिए अलग से कैपिटल रिजर्व लिख रहा हूं, लेकिन नई पैटर्न पे जब बैलेंस शीट बनेगा तो ऑलरेडी ये किस में इंक्लूड हो जाएगा जाके रिजर्व एंड सरप्लस में। सिर्फ समझाने के लिए ये मैं अलग लेके चल रहा हूं। कितने रुपए? 70,000। ठीक है, कितने हो गए? 70,000। अब रिजर्व एंड सरप्लस की बात करते हैं। सर, होल्डिंग कंपनी का रिजर्व एंड सरप्लस पहले से 2 लाख है। पहले से कितना है? 2 लाख। वो तो लिखेगा, वो थोड़ी ना छोड़ देगा। और होल्डिंग ने प्रॉफिट भी कमा लिया बीच में। सर, होल्डिंग ने कहां कमाया? ये कमाई किसकी है? ये कमाई किसकी है? अरे यहां पे गलत हो गया शायद। माइनॉरिटी का तो निकाला नहीं, इसके 2 पार्ट हो जाएंगे। हाँ हाँ, रुक जाओ, 2 पार्ट हो जाएंगे, क्योंकि इसके कितने पार्ट हो जाएंगे? जो एक है इसको हम एक काम करते हैं, थोड़ा इसे साइज रिड्यूस कर देते हैं, फिर मुझे थोड़ा सा टाइम मिल जाएगा, जगह मिल जाएगा करने को। मुझे थोड़ा सा स्पेस चाहिए। चलिए सर, ये गलत हो गया। क्यों गलत हो गया अभी समझा देते हैं, मतलब एक चीज मिस हो गया मेरे से। अब देखिए, ये 30,000 जो 60,000 के प्रॉफिट है उसको थोड़ा अलग ढंग से लिख लेते हैं ताकि और ज्यादा क्लियरिटी आ जाए। मैं इधर स्पेस है, इधर लिखता हूं मैं। कमाई की बात करते हैं। प्रॉफिट कितना था? 60,000। बाद में जो हुआ पूरे साल में 60,000। इस 60,000 पे 2 लोगों का अधिकार, इस 60,000 पे 2 लोगों का अधिकार। किसका अधिकार? पहले तो ये जो 60,000 का प्रॉफिट है ना, ये 2 प्रॉफिट है। सर, ये 60,000 का प्रॉफिट 2 प्रॉफिट कौन सा है? ये 60,000 का प्रॉफिट 2 प्रॉफिट वो है, ये ले लेते हैं। प्रॉफिट जो था 60,000 का, सर वो 2 प्रॉफिट था। एक था बिफोर वाला, बिफोर एक्वायर, और एक है आफ्टर वाला। आफ्टर और बिफोर से मतलब है एक कंपनी खरीदने से पहले का प्रॉफिट है हिस्सा, और एक कंपनी खरीदने के। तो अगर कंपनी खरीदने से पहले वाले हिस्से की बात करें, यानी कंपनी खरीदा नहीं तब प्रॉफिट अर्न हुआ, तो वो आया आपका निकल के, आपने यहां निकाला था कितने? 30,000। और कंपनी खरीदने के बाद 30,000। तो सर यहां पे अगर मैं हिस्से की बात करूं तो ये जो 30,000 कंपनी खरीदने के बाद है, इस 30,000 कंपनी खरीदने के बाद वाले पे, इस पे पूरा अधिकार होल्डिंग का होगा। होल्डिंग एच लिमिटेड का पूरा राइट, क्योंकि ये तो कमाया उसने ये। लेकिन इस वाले पे 2 लोगों का अधिकार आ जाएगा। समझ रहे हो? इस वाले पे किसका अधिकार आ जाएगा? किस का आएगा? और एमआई का, दोनों का आएगा। तो होल्डिंग का कितने परसेंट है? 80%। तो अगर मैं एच लिमिटेड का लिखूं और लिखूं एस एमआई का, तो सर एमआई का होगा यहां पे होल्डिंग का 80% यानी, और एमआई का 6,000। ठीक है, यहां तक समझ में आया? अब मैं निकाल के दिखाता हूं यहां पे एक्चुअल में जो था हमारा होल्डिंग के हिस्से में क्या आया। मैं पूरा इरेज करके फिर दिखाता हूं। आ जाते हैं सर कैलकुलेशन वाले पार्ट पे। एच लिमिटेड को क्या मिला? सर एच लिमिटेड को मिला शेयर कैपिटल, सर एच लिमिटेड को मिला रिजर्व एंड सरप्लस, सर एच लिमिटेड को मिला खरीदने के टाइम पे एक और एक्स्ट्रा, मैं एक्स्ट्रा लिख रहा हूं, एक्स्ट्रा रिजर्व एंड सरप्लस। ऐसा कोई वर्ड नहीं है, सिर्फ समझाने के लिए लिख रहा हूं मैं। ठीक है, शेयर्स में इसके हिस्सेदारी थी 4 लाख, पुराने वाले रिजर्व में 240, और नए वाले जो एक्स्ट्रा हुआ उसके अंदर 24। इसका मतलब इसने सर इतने जो भी पैसा इसने पेमेंट किया सब्सिडरी कंपनी को, जो दिया उसके बदले उसे इतने का सामान मिल रहा है। तो टोटल क्या हो गया हमारा? 6 लाख। तो सर इसे 6,64,000 रुपए का सामान मिल रहा है, उसके बदले उसने पेड कर दिया। सर कितने का पेड कर दिया? पेड कर दिया 6 लाख का। अब यहां पे जो है 64,000 रुपीज का क्या निकल के आ गया। तो चलिए इसको ठीक कर लेते हैं। क्या निकल के आया 60, और मुझे यहां पे और भी स्पेस चाहिए होगा ना, चलिए। तो आप कहोगे सर कैपिटल रिजर्व अलग से लिख रहा हूं 64 का, 64 का ये कितना था हमारा, हाँ 8 लाख था, ठीक है 64 का। अब इस रिजर्व एंड सरप्लस में एड ऑन की बात कर लेते हैं। सर कितना एड ऑन करोगे इस रिजर्व एंड सरप्लस में? इस रिजर्व एंड सरप्लस में मैंने जो कमाया वो तो सारा ही होगा। सर आपने कमाया, ये वाला जो पार्ट था ये तो सारा मैंने ही कमाया था, और कितना कमाया था 30,000, वो प्लस हो जाएगा जाके 30,000। तो ये क्या आ जाएगा हमारा, एक तो ये समझो, समझ में आया कि एच लिमिटेड ये कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट है, और कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट किसका बनता है, एच का ही बनता है। तो एच ने बोला भैया मेरे तो पहले से भी पड़े थे प्रॉफिट 2 लाख के, और कंपनी एक नई खरीदी है उसमें भी मैंने कमा लिया है, कितना कमाया है 30,000 रुपए। अब यहां पे क्या आएगा एमआई। सर एमआई का क्या होगा, एमआई की बात करते हैं। एमआई की टोटलिंग देख लो, एमआई का शेयर कैपिटल प्लस ओल्ड वाला रिजर्व प्लस मैं बोल देता हूं न्यू वाला रिजर्व। सर कैपिटल में 1 लाख, कैपिटल में कितने का, प्लस ओल्ड वाले रिजर्व में कितने का 60,000, नए वाले रिजर्व में कितने का ओनली 6,000। तो टोटल कितना हो गया 1,66 एमआई है। तो यहां पे सर लिख दो एमआई 166। अब टोटल कर लेंगे, थोड़ा स्पेस कम है मैनेज करिएगा वो। तो इधर तो कुछ बचा नहीं लिखने लायक, तो ये कितने आ गए, क्या इसका टोटल 20 लाख बन पा रहा है, चेक करिए। सर आफ्टर में 30 का 80% और 20% डिवाइड है। अच्छा मैंने 80 और कितना 20, हाँ ये 20 है, ये 80% है, ये 20 है। आफ्टर में तो सारा किसने कमाया, इसमें एमआई वालों का तो अधिकार ही नहीं है ना, सारा का सारा प्रॉफिट कमाया है किसने। एक मिनट, पहले इसका टोटल बताइए क्या रहा है, अभी बताता हूं मैं, क्लियर करता हूं। बीस और इधर 20, ये क्या 230 लिया ना, ये 64 लिया, एमआई ये आ गया 60,000। क्या मिस कर दिया हमने, टोटल देखो एक बार बैलेंस शीट का, सही है 5 और 3 और 2 10, 8 2 10 और 6 16, 10 और 6 16। क्या मिस्टेक कर दिया हमने, ये तो ठीक है हमारा, पहले देख लेते हैं ये वाला हिस्सा ठीक है, टोटल सही से कर लो इसको एक बार, ठीक है। हमारा डिफरेंस आ गया यहां पे कितने का, 60,000 का, और 60,000 रुपए हमारा कमाया गया है प्रॉफिट। तो सर प्रॉफिट जो कमाया गया है 60,000, वो पैसा तो आएगा हमारा, मैं थोड़ा सा और नहीं, मैं समझ गया 60,000 कहाँ पे, उसको तो मैच कर लेंगे। लेकिन उससे पहले एक डाउट आया बच्चे का, और जेन्युइन डाउट था। देखो 60,000 रुपीज का प्रॉफिट था ना, 60,000 प्री का है और 60,000 किसका है पोस्ट का, इसे बोलते हैं प्री और इसको बोल देंगे हम पोस्ट, जो क्वेश्चन में वर्ड इस्तेमाल होगा। इस प्री वाले को जो है किसने कमाया, सिर्फ और सिर्फ सब्सिडरी ने कमाया, और इस पोस्ट वाले पे 2 लोगों की मेहनत है। सर पोस्ट वाले पे किस 2 लोगों की मेहनत है, पोस्ट वाले पे दो लोगों की मेहनत है, होल्डिंग की भी मेहनत है और सब्सिडरी की भी है। ऐसा क्यों? इसके बाद जो कंपनी चल रहा था ये कितने पैसे कमाए हैं? तो इसके बाद जब कंपनी चल रहा था तो इसमें दो लोगों की मेहनत जा रही थी ना, 80% तो उसका था और 20% किसका था? होल्डिंग का ना बोल के मैं माइनॉरिटी का बोलता हूं। तो यानी यहां वाले प्रॉफिट को भी दो हिस्से में बांटा जाएगा सर, एक जाएगा होल्डिंग में, एक जाएगा एमआई में। इसका 80% 24 और ये 6, 24 और 6। जो कैश मैच नहीं हो रहा वो फर्क नहीं है, वो मैं भी बता दूंगा। 24 और 6 पहले तो ये समझिए, आप समझ में आ रहा है? 24 और 6 तो जो रिजर्व में मैंने जोड़ दिया ना अकेला, ये बैलेंस शीट थोड़ी सी वैसे बन गई है। इसको एक काम करता है थोड़ा छोटा ही करके फिर सही से कर देते हैं। चलिए इसमें से जो चीजें नहीं है पूरा बैलेंस शीट एक बार दोबारा बनाते हैं ताकि शुरू से समझ में आ जाए आपको। बस 2 मिनट का लगेगा टाइम, बस अच्छे से समझाने के लिए। क्या लिखोगे सर? शेयर कैपिटल लिखोगे। शेयर कैपिटल कितने का लिखोगे सर आप? सर शेयर कैपिटल सिर्फ 8 लाख का है। और क्या लिखोगे सर? रिजर्व एंड सरप्लस लिखोगे। कितना रिजर्व एंड सरप्लस था मेरी कंपनी का? 2 लाख रुपए वो, और प्लस कमाए कितने इसने, कमाए कितने होल्डिंग ने, ये वाले बाद वाले जो कमाए हैं 24,000, 24K टोटल करके लिख लेना। इसके बाद हम ले लेते हैं कि यहां पे कैपिटल रिजर्व। सर कैपिटल रिजर्व तो वही रहेगा जो कि निकाला था हमने 64K। सर एमआई में थोड़ी बदलाव आ जाएगी। एमआई के अंदर ये तो प्री के सारे हैं, देखो ये वाला 1 लाख पहले का, 60,000 रुपए 30 में से निकाला था ये भी पहले का, ये जो 6,000 रुपए है वो किसका पार्ट है? 6,000 रुपए ये 6,000 किसका पार्ट है? सब्सिडरी से, मतलब ये 6,000 ये वाला पार्ट पहले वाला, और प्लस बाद में भी जो कमाया वो भी 6,000 इसमें ऐड हो जाएगा जो बाद में कमाया। क्योंकि देखो एमआई जो है वो तो पूरे साल ड्यूरिंग द ईयर 20% रहे ना, तो पहले वाले में भी था वो और बाद वाले में, तो 6,000 जो है बाद वाले का। पोस्ट वाले का कितना? 6,000। ये किस वाले का है? प्री वाले का, और ये कौन सा है? पोस्ट वाले का। तो टोटल क्या हो गया? कितने? 1,72,000। अब सर ये जो 60,000 रुपए इसने प्रॉफिट कमाया है तो कहीं ना कहीं पैसा तो आया ही होगा हमारे पास। तो हम एक काम करते हैं, सिर्फ क्योंकि क्वेश्चन बुक में उस हिसाब से क्वेश्चन डिजाइन होगा, मैंने अपने हिसाब से लिया है। तो 60,000 रुपए तो सर कैश में आ जाएगा, और 60,000 रुपए जब कैश में आएगा इसके बाद देखा जाए तो यहाँ पे आ जाएगा फिक्स एसेट्स, और फिक्स एसेट्स सर कितने का आएगा? 10 और 10 20 लाख। अब टोटल कर लीजिए, एम आई आ जाएगा 172, तो ये आ जाएगा हमारा 20 लाख 60,000 20 लाख। चेक करिए फटाफट, ठीक है ना? तो ये पूरा का पूरा था, बीच में थोड़े थोड़े स्टेप रह भी गए, तो वो तो दोबारा एक बार देख लोगे आप तो क्लियर हो जाएगा आपको, ठीक है? किसी को दिक्कत नहीं? तो बेसिक कॉन्सेप्ट खत्म। कल से बुक के क्वेश्चन करने हम क्या करेंगे? स्टार्ट कर देंगे। कल भी सेम टाइम पे क्लास रखते हैं। हाँ अभी पीडीएफ नहीं, वीडियो आ जाती है, वीडियो में से भी कर सकते हो। बाय चांस में पीडीएफ भेजना भूल गया तो वीडियो जब आता है तो वीडियो में से कर सकते हो। बाकी मैं अभी बना के इसका पूरे का पीडीएफ फर्स्ट से लेके आज तक का भेज रहा हूं मैं इसका, ठीक है? मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।